कर्फ्यू पास का दुरुपयोग करने वाला एक काबू, इंपाउंड वाहन सहित मुकदमा दर्ज। कोरोना वायरस के चलते लगे कर्फ्यू के दौरान लोग कर्फ्यू पास का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। नॉवल्टी चौक में लगे नाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर के मुलाजिम को नकली कर्फ्यू पास के साथ पकड़ा। एसएचओ सिविल लाइंस शिवदर्शन ने बताया कि नकली कर्फ्यू पास का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के वाहन को इंपाउंड कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि कर्फ्यू नियमों का पालन करें और ऐसी जालसाजी ना करें। मैं शिवदर्शन सिंह, एसएचओ सिविल लाइन अमृतसर। ये जी लोगों को लॉकडाउन किया गया, कर्फ्यू 14 तरीक तक सरकार वालों लगाया गया वा। इस संबंध से नावल्टी चौंक च हर एक व्यक्ति की चैकिंग कर रहे हैं कि अनऑथराइज्ड परसन जिहड़ा वा बिना मतलब सड़कों पर घूमता नज़र ना आवे। एक लड़का सी रोकिया जी, ये मेडिकल स्टोर के मालिक को ड्रग कंट्रोल वालों लाइसेंस जारी किया गया, पास कर्फ्यू पास दिता गया, पर अगों उन्हें अपने जो सर्वेंट आनू अगों पास जारी कर दिता गया अपने तौर पर, जो कोई गैर कानूनी आ तो यद अं काबू किया। इसके खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दुरवरतों करते बिल्कुल, कई लोग जो कर्फ्यू पास लिया उन्होंने दुरवरतों कर रहे हैं। असं उन्होंने बकायदा चैक कर रहे हैं। नावल्टी चौंक तुम वेखो, चार स्प्रे नाके लाए बैरीकेडिंग करके, हर नाके पर तीन तीन चार चार कर्मचारी खड़े आ। असं इन्होंने चीज़ों चैक कर रहे हैं, जो कोई यहोजा व्यक्ति काबू होया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 188 IPC कर्फ्यू की उलंघना की, 188 IPC तहत मुकदमा दर्ज करेंगे जी। ये जो मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, पास का कैंसल करेंगे। पब्लिक को सर यो मैसेज है भी अं पब्लिक हितों वास्ते ये कर रहे हैं। जो कर्फ्यू सरकार वालों लाया गया पब्लिक हितों वास्ते, पब्लिक की जान माल की राखी लिए लगाया गया, पर लोग यदि पालना नहीं कर रहे। लोगों को चाहिए कि प्रशासन का सहयोग देन, तो असं रल मिल के सारे इस बीमारी का टाकरा कर सकेंगे।